दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। गुड्डू राजा बुंदेला कांग्रेस से चेहरा बनाए गए हैं सागर में, तो लता वानखेड़े बीजेपी से चेहरा है। तीन बड़े दिग्गज नेता पहले से सागर में हैं, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह, भूपेंद्र सिंह, और उन सबको टक्कर देने के लिए बुंदेला बंधु परिवार का चिराग गुड्डू राजा या कहें कि बुंदेला अब सागर पहुंच चुके हैं, चुनावी प्रचार में लग चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेसी समर्थक हैं गुड्डू राजा, और गुड्डू राजा से जुड़ी राजनीति को लेकर क्या कहते हैं ये चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद गोस्वामी। गुड्डू राजा जी के बारे में क्या कहेंगे? गुड्डू राजा के बारे में क्या है, वो पूरा बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा उनके परिवार को पिछले 50 साल 60 साल से जानता है, और कार्यप्रणाली को जानता है, उनकी चुनाव लड़ने की क्षमता, प्रबंधन की क्षमता का इस बुंदेलखंड में कोई तोड़ नहीं है। गुड्डू राजा सागर में जब से पहुंचे तो तमाम परिवर्तन देखने को मिले, खासतौर से बीजेपी के अंदर ज़्यादा परिवर्तन होते दिख रहे हैं, क्या कारण है? प्रबंधन क्षमता और वोटरों को, आम लोगों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, चुनाव कैसे लड़ा जाता है उसके लिए किस तरह से अब वोटर को मल्टीपल, एक वोटर को 10 वोटर के बीच में कैसे बदला जाए एक आवाज़ को, ये बुंदेला बंधु बहुत अच्छे से जानते हैं। और सुरक्षा को भाव, सुरक्षा तो मुख्य मुद्दा है ही, जो उस छत्र छाया के नीचे रहते हैं उसकी आवाज़ में स्वतः दम आ जाती है, मतलब जो गुड्डू राजा के संगे हैं या उनकी छत्र छाया में उनको, उनके अंदर लोगों के अंदर अपने आप दम आ जाता है। हाँ, क्योंकि सागर की राजनीति देखी, तीन तीन बड़े नेता हैं, आज भी दमनचक नीति है। जब हम लोग जन आक्रोश यात्रा में वहाँ थे तो कांग्रेसियों को बैठने कहीं कि कांग्रेसी एक भी कांग्रेसी नहीं मिल रहे थे जो कुर्सी पर बैठ जाएँ, और कांग्रेसी थे खासतौर से आपकी जो पिछो ये कहें कि बगल की जो खुरई सीट है वहाँ पर स्थिति थी कि वहाँ कांग्रेसी कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब से गुड्डू राजा सक्रिय हुए बहुत कुछ माहौल बदला, चुनावी मैदान में वहाँ से प्रत्याशी भी आया है। यही तो अभी जो हमने आपके प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है कि जो जो उस विचारधारा से, उस परिवार से जुड़ जाता है, कांग्रेस की विचारधारा और बुंदेला परिवार से, तो उसके अंदर निश्चित तौर पर आत्मबल गुणात्मक रूप से बढ़ जाता है। गोविंद सिंह हारते हारते जीत गए, मतलब 1200 वोटों से लगभग वो जीते हैं, सिंधिया गुट के हैं, कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, कांग्रेस यही है, बीजेपी में आके हैं, अब बीजेपी में आके कांग्रेस नहीं को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे, जो भी एक अच्छी बात है कांग्रेस ने गिना है। तो गोविंद सिंह के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अरे अभी पूरी लोकसभा में आप एक गोविंद सिंह कह रहे हैं, अभी हजारों लाखों गोविंद सिंह निकलेंगे वहाँ से। अच्छा, और घर घर में फूट पड़ेगी, भाजपा के मूल घर में भी फूट पड़ जाएगी। आप अभी देखना भी, आप एक चेहरा देख रहे हैं, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, मिलते हैं, अंदर गांव तक पता है, जो 50-50 साल से 30-30, 40-40 साल से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, गढ़ हैं, वो सारे टूट रहे हैं इस बार। अच्छा, अरुणोदय चौबे गुड्डू राजा के संगे हते, प्रचार भी करे, चुनाव में सांगे दिखे, टिकट भी मांग रहे थे, एकाएक भी जाके बीजेपी में शामिल। आप एक चेहरा की बात कर रहे हैं, ये सिंगल चेहरे हैं और ये आर्थिक सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किए जाते हैं सरकारों से, इसलिए ये समय समय पर इस पाला उस पाला में रहते हैं। और अभी एक नेता ने बड़ी बात की करी थी कि साइकिल का तो स्टैंड होता है, लेकिन ऐसे बड़े अपराधियों का, उद्योगपतियों का कोई स्टैंड नहीं होता है। ना इनकी कोई जाति होती है, ना कोई जाति है, ना कोई स्टैंड है, आज इधर कल उधर। गोविंद सिंह की बात कर रहे हैं, गोविंद सिंह कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त सागर, ये तो मोदी जी ने भी सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत। ये तो कांग्रेस ही थे पुराने, अरे बीजेपी में अनुकंपा से बीजेपी में आके जीत गए और फिर बढ़ गए। ये सपना आज का नहीं है, ये जब अंग्रेज भारत में थे उस समय का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, और ये अंग्रेजों वाली ही लाइन है। ये धन बलवाए मजबूत हो गए, काम कर रहा है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी आज से 100 साल पुराना सपना है भाजपा और जनसंघ का कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन ये ना पहले हो पाया ना आज हो पाएगा, भारत की महान जनता हमेशा कांग्रेस के साथ। गुड्डू राजा ने जैसे घर वापसी की बात करी, लाव लश्कर के साथ 1100 से ऊपर की गाड़ियों से लेकर भोपाल में पहुँच गए, चर्चा भाई सागर में सक्रिय दिखे, तो उतः से एक बड़े दिग्गज नेता, आप कहूँ पूर्व मंत्री लग गए नाम, मंत्री हते, बड़े कद के नेता हते, तो बेकते क्या गुड्डू राजा हम चिंत नहीं यहाँ एक बात कैसे देर बाद फोटो वोटो भी आ गई, अब लगत के चिन्ह लगे उनको मंत्री पद भी चलेगा। आप एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं कितने लोग चिन्हेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, राजा गुड्डू राजा उनके घर जाएंगे, वो आदि भाजपा आपको कांग्रेस के टेंट में बैठी मिलेगी। अभी चूंकि चुनाव के लिए समय है, वोटिंग के लिए अगले 15-20 दिन में आप ऐसा डेवलपमेंट देखेंगे कि आधी से ज़्यादा भाजपा झांसी और ललितपुर की और सागर की कांग्रेस के कैंप में मिलेगी। एक बात और सुन लो, अबे गुड्डू राजा जैसे ही पहुँचे टिकट मिलने के बाद
तो सागर की मीडिया कहने लगी तुम बाहरी आओ। अजय बाहरी कहाँ से हो गए भज्जा? अरे ये तो आरोप लगाने की बात है, यदि ऐसे चूंकि भारत का संविधान इस तरह की सुविधा दिए है कि भारत का नागरिक कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, यदि इसी छोटी बात के लिए मुद्दा बनाया जाए तो सबसे पहले उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहना चाहिए कि वो गुजरात से आके उत्तर प्रदेश के बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो वो बाहरी हुए। पहले गुड्डू राजा को सटीक जवाब, हम बुंदेलखंड के आए, बुंदेला आए। नहीं नहीं, भारत के नागरिक हैं वो, बुंदेलखंड का तो नंबर दो है, पहले भारत का नागरिक है और संविधान हमें कहीं से भी चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, गैर संविधानिक काम थोड़ी हो रहा है। एक बात और पूछ रही हूँ, लता वानखेड़े के बारे में बताओ जी, लता कितने की हूँ, वानखेड़े की तरह नाम से तो लगता है महाराष्ट्रियन है, चूँकि ना हमारा उनसे कोई संपर्क है और ना उनके पारिवारिक बैकग्राउंड से पता चला है कहीं, जो अभी पिछले 10-5 दिन से ही उनका नाम एकदम से हाईलाइट हुआ है जब से भाजपा ने उनको टिकट दी है, लेकिन इनका सामाजिक योगदान क्या है समाज में सागर क्षेत्र में पता नहीं। पंडित जी 400 पार को नारा मोदी जी ने दे दो और मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 28 में बीजेपी है, अब किधर का हो रहा है? ये सब काल्पनिक कपोल कल्पित अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे फिगर दिए जाते हैं, ना कहीं 400 है ना कहीं 200 है, तो इस समय भाजपा 150 के नीचे रहने वाली है और कांग्रेस पार्टी बहुत तेज़ी से इंडिया गठबंधन के साथ मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? मध्य प्रदेश में इस समय हम लोग 20 के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 20 सीटें हैं। हाँ अभी चूंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि 10 तो हम जीत चुके हैं और बाकी प्रयास कर रहे हैं, बाकी के लिए संघर्ष है। अच्छा, जो बीजेपी पे अभी आरोप लग रहा है, तमाम सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद SBI से कही के चंदा कहाँ से, यहाँ सब डिटेल क्लियर करो, बीजेपी के बारे में काका जो चंदा खोले। अरे गोस्वामी जी, कभी राजनीतिक पार्टियाँ चंदा नहीं देती हैं, ना ये कभी कोई परंपरा है, कोई भी भारत का राजनीतिक दल बता दे कि उसने कभी इनकम टैक्स जमा किया हो। हाँ ये ज़रूर है कि कभी लेट वगैरह हो जाए, टैक्स की तारीख से ऊपर नीचे हो जाए तो एक नोटिस आता है, उस पर पेनाल्टी लगती है और अधिकतम 10,000 की पेनाल्टी उस क्लोज में है, लेकिन केवल बदले की भावना के तहत कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सीज करके 500 करोड़ से ऊपर की पेनाल्टी लगाई गई है, जिसका हम लोग विभिन्न कोर्टों में संघर्ष कर रहे हैं और जीतेंगे भी। बीजेपी के लाए बड़ बड़ी पार्टी ने बड़ा चंदा था, कांग्रेस को तो नहीं आओ भाई, वो वसूली कहेंगे, चंदा नहीं बोलो आप उसके लिए, वो वसूली है। और जिस तरह से अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI से डाटा निकल के आया है और कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कब किस कंपनी पर छापा पड़ा और फिर उसने उसके बाद चंदा दिया, यहाँ तक कि दवा कंपनियों की दवा भी फैल हो गई हैं, जीवन रक्षक दवाएं फैल हो रही हैं और उन्हीं कंपनियों से भाजपा लगातार चंदा ले रही है, ये देश के लिए और हम सब के लिए शर्म का विषय है। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, लगातार उनसे चर्चा हमारी हो रही थी तमाम मुद्दों पर, गुड्डू राजा के बारे में उन्होंने बोला है, सागर की राजनीति के बारे में बोला है और देश में कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है उस पर भी उन्होंने बात रखी है और क्या परिणाम आने वाले हैं उस पर भी अपने विचार रखे हैं। ऐसे किसी नई शख्स के साथ फिर चर्चा होगी। नमस्कार।